आप लोगों को इसके पहले हमने 1 से लेकर 20 तक के 2 पार्ट में संख्या पद्धति के जो हमारे नोट्स के क्वेश्चन थे वो हमने आपको सॉल्व करा दिए थे, और इसी क्रम में हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। ये प्रश्न एक एक करके हम आपको सॉल्व कराते चलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो सोल्यूशन होगा पसंद आया होगा। अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये सारी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पे और इलानी मित्र के फेसबुक पेज इलानी मित्र के दो जगह उपलब्ध हो जाएंगी। कह रहा है प्रश्न 21 तीन अंकों की तक ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती हैं जो 19 से पूर्णतः भाग जाएंगी। बहुत ही आसान है, तीन अंक की संख्या लिखना है हमें, जानते हैं तीन अंक की संख्या होगी 999 और भाग देंगे 19 से भाग देंगे तो 19 95 49 49 2 38 52 तो 52 हो गया। एकदम आसान सवाल है, तो इसका उत्तर जो होगा आपका 52 होगा। माने 19 से पूर्णतः विभाजित कितनी संख्या होंगी, 52 माने 52 संख्या होंगी जो पूर्णतः विभाज्य होंगी। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि की संख्या का 2/7 भाग 18 है, उस संख्या के 1/3 भाग क्या होगा। ये भी एकदम आसान है, कह रहा संख्या माना x, क्या माना, माना संख्या x, कह रहा उसका 2/7 भाग 18 है तो उसका 1/3 भाग निकाल दीजिए। अब ये x बराबर ये इधर ही रह जाएगा 18 × 1/3, ये इधर आएगा पलट जाएगा, ये 2/7 का हो जाएगा 7/2। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ऊपर क्या बचेगा x = 3 × 7 = 21। इसका उत्तर क्या है 21, इसका माने विकल्प इसका सी। कोई समस्या, दो लाइन जगह हमने इसको प्रयास किया, एक ही लाइन में माना संख्या x है, x का 2/7 भाग 18 है, x का 2/7 भाग 18 × 1/3 हो गया, x बराबर 18 × 1/3 = 7 × 2, क्योंकि इधर 2/7 है बराबर के इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो आपका हो गया 3 × 7 = 21। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, चलिए इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो तो। देखिए इस तरह का जो प्रश्न आता है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न है जिसे ये दिया है, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं जैसे यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 2/3 × फिर 4 × 4 = 3/4 फिर गुड़े 4/5 ……। फिर यहाँ गुड़ा करेंगे तो यहाँ जब गुड़ा करने पे भी हमें क्या प्राप्त होता है आपको शायद ये भली बात ज्ञात होगा, ये हो जाएगा n − 2/n − 1 फिर गुड़े n − 1/n। इस तरह के जो प्रश्न आते उसका हमेशा उत्तर होता है, याद रखिएगा 2/n, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो उसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा 2/n होता है, याद रखिएगा हमेशा। कितना हो जाएगा 2/n, 2/n होगा इसका उत्तर सदैव, याद रखिएगा इस तरह जो भी प्रश्न आएंगे। आगे दे रहा है यदि a बराबर, यदि a बराबर 16 और b बराबर 5, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे यदि a बराबर 16 b बराबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। देखिए यह प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो गई, यह प्रश्न देखिए इस तरह से था, गलती क्या होगी हम आपको बताना चाहेंगे। पहले तो देखिए ये प्रश्न है, एक मिनट रुक जाइए, a² + ab + b² / a³ − b³। इस तरह के जब प्रश्न आता है इसका जवाब हमेशा 1/a − b होता है। a − b का मतलब 1/16 − 5 = 1/11, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा 1/11। कैसे होगा आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। ये प्रश्न यहाँ गलत है, यहाँ पे होगा a³ − b³। तो हमें फॉर्मूला जानते हैं, ये a³ + ab + b² पूरे का बटे, यदि हम a − b का होल क्यूब को a³ − b³ तोड़ेंगे, एक कोष्टक में a − b, दूसरे में a² + ab + b², ये पूरा पूरा इसे कट गया तो बचेगा 1/a − b। इस प्रकार जब यहाँ का प्रश्न आता है उसका उत्तर सदो 1/a − b ही होता है। 1/b − 1/16 − 5 अर्थात 1/11 आपका उत्तर ये होगा। ठीक, ये हम आपको आगे एक अध्याय इस तरह से है जहाँ बीजगणित और संख्याओं का प्रयोग करके सरल करना है, सरलीकरण करना, वहाँ पे इसको हम और अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। इसी प्रकार से प्रश्नों को लेकर और आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा दुर्गेश सर,
बिना स्पेस दिए ऐसे सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा इलनी मित्र गेस, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह। अच्छा, ये वीडियो आपको हमारे फेसबुक पेज इलनी मित्र गेस पे भी मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पर भी आपको ये उपलब्ध होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न बहुत ही आसान है। कह रहा है कि यदि ए बटे बी बराबर 4/5 हो तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। यदि हम जानते हैं ए बटे बी का मतलब ए बराबर 4 हो गया और बी बराबर 5, तो मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ज्यों का त्यों 4/7 प्लस 2b, दो बी का मान कितना है 5, ए का मान 4 पूरे का बटे 7 है, 7 हो गया यहाँ 2b है, माने 2×5 प्लस माने 4, ये हो जाएगा 4/7 प्लस 5×10 माइनस 4, 10 प्लस 4, यहाँ से सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4/7 प्लस 6/14। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 14, 7×14 माने 7×14 तो 4×8 प्लस 6 तो हो गया 14/14 कट गया तो बराबर 1। इसका आंसर क्या होगा आपका, विकल्प सी से। ठीक, कितना सही है, 1 से। ठीक, कुछ नहीं करना, मान देना जहाँ ए बराबर 4 है, बी बराबर 5, क्योंकि ए बटे बी बराबर 4/5 तो यहाँ क्या करें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसका मान हमें ज्ञात हो जाएगा। कोई समस्या है ऐसी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। कह रहा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन क्लास या नोट्स लेने उसके लिए 6306344367 पर कॉल और 7355179012 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स सभी चीज़ की जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या। प्रथम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 3, 2, 5, 5, 10, 7। ठीक, अब एक छोटा सा प्रश्न बोल लो, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर इसी का औसत निकालना होता तो 2+3+5+7/4 कर देते, ये कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या जो होती है वो होता है औसत। तो आपको क्या करना है, 5 क्रमागत अभाज्य संख्या या प्रारंभ प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अगला कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से विभक्त हो जाए कौन सी। बहुत ही सरल तरीका है, 88 वही संख्या विभक्त होगी। पहले देख लेते हैं 88 का गुणनखंड क्या होगा। 88 का गुणनखंड होगा 11×8। ठीक, तो 11×8 8 से कटने का विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई दाई सैकड़ा का दिया गया अंक यदि 8 से विभाजित हो जाएगा संख्या भी कट जाएगी। ये नहीं होगा, ये दोनों में से कोई विकल्प सही होगा। देखते हैं, पहले 4 अंक बड़ी बड़ी संख्या 9999 को 88 से भाग दें, 88 से भाग देंगे तो आपका यहाँ जो शेष बचेगा वो शेष कितना बचेगा, वो बचेगा 55। कितना बचेगा, 55। जितनी भी बार जाए तो आप क्या करेंगे, 9999 55 घटा देंगे तो 99 जो 8 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। तो 4 अंक की बड़ी बड़ी संख्या है जो किससे कट जाएगी, 88 से कट जाएगी। ठीक है, ठीक, अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं होगी जब किसी संख्या को वर्ग, देखिए अगर किसी संख्या को वर्ग किया जाए तो 2 नहीं आता कभी इकाई पे। जैसे कि अगर हम देखना चाहें देख सकते हैं कि अगर एक का वर्ग किया हूँ, 0 का वर्ग अगर कोई संख्या आता है तो 0 ही आता है। ठीक, जैसे 10 मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर इकाई का 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 किसी की इकाई पर नहीं है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित कौन सी संख्या होगी जिसकी इकाई स्थान पर संख्या आएगी निम्नलिखित में कौन यदि की संख्या का वर्ग किया जाए, तो 2 किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई कम कभी नहीं आ सकता। ठीक, ये भी आसान प्रश्न आप कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, शेयर जरूर कर देगा सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा। आगे प्रश्न क्या है,
इनकी संख्या के का घन किया जाए तो कौन सा अंक होगा? पाँच भी होगा, पाँच का घन करेंगे पाँच, दो का घन करेंगे आठ, और नौ सात का घन करेंगे तीन, मतलब जीरो से लेकर नौ में कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे अगर हम एक का घन करेंगे तो एक आएगा, दो का घन करेंगे तो आठ, तीन का करेंगे तो सात, चार का घन करेंगे तो चार, पाँच का घन करेंगे तो इकाई अंक पाँच, छः का घन करेंगे तो इकाई अंक छः, सात का घन करेंगे तो इकाई अंक तीन, आठ का घन करेंगे तो इकाई अंक दो, नौ का घन करेंगे इकाई अंक नौ, दस का घन करेंगे तो इकाई अंक जीरो। माने किसी भी संख्या का घन करेंगे तो जीरो से लेकर नौ तक कोई भी अंक आ जाएगा। माने ये भी सही है, ये भी सही, ये भी, अर्थात विकल्प डी। ठीक, कोई दिक्कत? ये सभी को शेयर कर दीजिएगा। इन लर्निंग मित्र के हमारा फेसबुक पेज है, और साथ ही साथ फेसबुक पेज के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। कह रहा है एक से लेकर सौ तक के बीच में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? देखिए बहुत ही आसान है, अगर एक अंक की बात करें तो हमें ज्ञात होता है एक से लेकर दस तक, सॉरी नौ तक के बीच में नौ अंक होगा, दस से लेकर निन्यानवे तक में कुल नब्बे अंक होगा, दो अंक का जोड़ा होगा मान 180 अंक, 100 जो होगा वह तीन अंक का होगा। कुल कितने अंक होंगे? 9 प्लस 180 प्लस 3 बराबर 152। इसका उत्तर क्या होगा? 152। कितना होगा? 192। तो हम जब भी आते हैं 10 प्रश्नों की सीरीज सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो हमारे 10 प्रश्नों की सीरीज सॉल्व हो गई। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो समझ में नहीं आएंगी आप हमें उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे भी मैं छोटा सा प्रश्न आपसे पूछते हुए आगे बढ़ते हैं, एक से लेके सौ तक के बीच में सात कितनी बार आएगा? एक से लेके सौ तक के बीच में सात कितनी बार आएगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, कहीं भी आप इसका जवाब हमें जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आप को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने नोट्स लिया है तो ठीक है, नोट्स नहीं भी लिया है तो हमारे ऑनलाइन क्लास नोट्स सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक, जय हिंद।